हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, WCC3 ने फिर से एक मिशन चेंज कर दिया दोस्तों। आप इधर देख सकते हो, जो चौथा मिशन है वो चेंज कर दिया दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे वो चौथा मिशन कम्प्लीट कर सकेंगे और कैसे प्लैटिनम कॉइंस को पूरी तरीके से क्लाइम कर सकेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों, सिर्फ चौथा मिशन ही चेंज किया दोस्तों, बाकी का जो मिशन है वो चेंज नहीं किया। मतलब सिर्फ चौथा मिशन ही चेंज किया दोस्तों, आप इधर देख सकते हो। जो चौथा मिशन वो भी मतलब उतना ज्यादा चेंज नहीं किया दोस्तों। जो पहला आया था वो दिल्ली स्टेडियम में खेलने के लिए आया था, अभी वेलिंगटन स्टेडियम में खेलने के लिए आया दोस्तों। मतलब ज्यादा कुछ नया नहीं है, पूरा सेम ही है दोस्तों। आप इधर देख सकते हो, चौथा मिशन विन ए गेम इन वेलिंगटन स्टेडियम टुडे, मतलब आप लोगों को वेलिंगटन स्टेडियम में एक गेम जीतना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इधर देख सकते हो, मैं ओल्डी सीरीज का फाइनल मैच खेलने वाला हूं दोस्तों, वो भी वेलिंगटन स्टेडियम में खेलने वाला दोस्तों। आप इधर देख सकते हो डेली मिशन पर। तो दोस्तों, आप इधर देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ आ गया डेली मिशन, मतलब इस स्टेडियम में हम लोगों को खेलकर एक मैच जीतना है दोस्तों। तो इस स्टेडियम में आप लोगों को खेलकर मैच जीतना है दोस्तों। अगर आप हार गए तो मिशन कंप्लीट नहीं होगा, फिर से आप लोगों को 5 प्लैटिनम कॉइंस देकर अनलॉक कर आप लोगों को मैच खेलना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसीलिए थोड़ा ध्यान से खेलिएगा दोस्तों और मैच जीतने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप 50 ओवर का मैच खेले, मतलब किसी भी वजह से अगर आप मैच उस दिन खेल नहीं पाए, मतलब आधा खेल कर छोड़ दिया, और दूसरा दिन अगर आप मैच जीत भी जाएंगे, तो अब भी आप लोगों को जो प्लैटिनम कॉइंस मिलने वाला है वो नहीं मिलेंगे दोस्तों। मतलब जो डेली रिवार्ड्स के थ्रू मिलने वाला है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस दिन का जो डेली रिवार्ड्स का प्लैटिनम कॉइंस है वो निकल जाएंगे दोस्तों, वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो इसीलिए ज्यादातर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जिस दिन आप लोगों को मिशन मिलेगा उसी दिन कंप्लीट करने का दोस्तों। अगले दिन आप लोगों को नया स्टेडियम मिल जाएगा और नया स्टेडियम अनलॉक करने के लिए आप लोगों को फिर से 5 प्लैटिनम कॉइंस देने पड़ेंगे दोस्तों। आप लोगों को 12 बजे तक टाइम रहेगा दोस्तों, 12 बजे से पहले आप लोगों को वो मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब जो इतना भी मिशन है वो सारे मिशन आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप लोगों को पूरा प्लैटिनम कॉइंस आप अर्न कर सकेंगे दोस्तों। और दोस्तों, आप इस स्टेडियम को परमानेंटली अनलॉक कर सकते हैं, मतलब 99 प्लैटिनम कॉइंस देकर, लेकिन मैं आप लोगों को ये रेकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि दूसरा दिन आप लोगों को दूसरा स्टेडियम मिल जाएगा, दूसरा स्टेडियम आप लोगों को अनलॉक करना पड़ेगा, वो बेकार जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए आप 5 प्लैटिनम कॉइंस ही देकर खेलिएगा दोस्तों। और दोस्तों, जो वेलिंगटन का स्टेडियम है आप इधर देख सकते हो, उसका भी ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा है, मतलब पर्वत जैसे पूरा दिख रहा है, मतलब पूरा ट्रीज, मतलब पूरा नेचर के साथ खेलने का मजा आएगा दोस्तों। आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा खेलने पर, आप इधर देख सकते हो, थोड़ा सा गेम प्ले आप लोगों को दिखा दूंगा दोस्तों इसमें, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। मतलब अगर आप मतलब पूरा नेचर के साथ खेलने का मतलब ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा दोस्तों, आप देख सकते हो पूरा पर्वत, आप लोगों को पर्वत दिखाई देगा, इतना बड़ा पर्वत, और आप लोगों को छोटे छोटे घर भी दिखाई देंगे दोस्तों। बढ़िया, मतलब बढ़िया स्टेडियम आप खेल सकते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि 5 प्लैटिनम कॉइंस देकर खेलना, आप लोग खेल सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्टेडियम, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और मुझे कमेंट करके जरूर बोलेगा आप लोगों को ये स्टेडियम कैसा लगा और आप लोगों को कितना प्लैटिनम कॉइंस आज मिले। मुझे तो 40 प्लैटिनम कॉइंस मिले दोस्तों, आपको कितना प्लैटिनम कॉइंस मिले मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बोलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता अगले वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।